जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता तथा मेहनत करनी होती है। सच्चे मन से किया गया प्रयास तथा अध्ययन ही सफलता का सूत्र है। यह कहना है मात्र 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ बनी ब्यावर बेटी डॉक्टर अक्षिता डाने का। MBBS के बाद जोधपुर मेंटरशिप करने के बाद मंगलवार देर शाम को घोषित नीट 2023 के परिणामों में डॉक्टर अक्षिता डाने का चयन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में चयन हुआ। डानी परिवार की लाडली की इस उपलब्धि पर डानी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवारजनों ने अपनी बिटिया का माला पहनाकर स्वागत करते हुए मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। बुधवार सुबह परिवारजनों तथा इष्ट मित्रों के साथ खुशी का इजहार करते हुए खुशियां मनाई। शहर की लालान गली निवासी भगवान दास डानी की सुपुत्री तथा बालकिशन पूर्वा डानी की सुपुत्री डॉक्टर अक्षिता डानी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता तथा भाई अक्षय डानी को दिया है। मतलब 2023 में जो अभी नीट PG का पेपर हुआ था उसमें जो अभी हाल ही में जिसका रिजल्ट आया है तो उससे मुझे काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही SMS जयपुर की ऑप्स गायनी अलॉट हो गई है। और मतलब पिछले साल मेरी MBBS हुई थी तो इंटर्न के साथ ही प्रथम प्रयास में मैंने लक्ष्य बनाया था कि मैं पहली बार में ही ये नीट PG का पेपर क्रैक करूँ। और इसलिए मतलब और आज का जो रिजल्ट आया था काउंसलिंग का तो उसमें मुझे सीट भी मिल गई थी, उससे हम सब बहुत खुश हैं। और मतलब मेरा इसमें पूरा श्रेय पापा मम्मी का और भाई का जाता है। पूरी इंटर्नशिप के दौरान ये लोग जो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे, ऐसे मतलब कि हॉस्पिटल का काम भी इतना रहता था और साथ में पढ़ाई का, तो ये सब मैनेज करना कि कैसे मतलब पूरे दिन आपको हॉस्पिटल जाके फिर थोड़ा जैसे जितना जितना टाइम मिलता है तो उसकी पढ़ाई के लिए, तो ये सब पापा मुझे बताते थे कि कब कैसे क्या कर लेना चाहिए। और मम्मी का भाई का सबका पूरा सपोर्ट रहता था। तो इस तरीके से मेरा इंटर्नशिप के साथ में ये क्लियर हो गया था। तो मतलब जैसे मेरा तो शुरू से लक्ष्य था कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर जैसे जैसे मैं इंटर्नशिप में करी तो मुझे लगा कि ऑप्स गायनी फील्ड में ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जैसे कि महिला वर्ग है तो वो इतनी अवेयर नहीं होती अपने खुद को लेकर, और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छे डॉक्टर्स उनको देखे, ट्रीट करे। और इस वाली फील्ड में बहुत डॉक्टर्स की कमी है, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहिए। आम सूचना, व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर, ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर × 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपए। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।